अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं मोबाइल से तो आप आज की ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो पर मैं आप सभी को 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्स के बारे में बताऊंगा, जहां से आप अपने वीडियोस को बहुत ही स्मूथली एंड बहुत ही अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। चाहे वो एक लॉन्ग वीडियो हो या फिर एक शॉर्ट वीडियो हो, सभी वीडियोज़ को आप ईजिली यहाँ से एडिट कर सकते हैं इन सारे एप्लीकेशन से। और एट लास्ट मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि इनमें से मैं कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ मेरे सभी वीडियोज़ को एडिट करने के लिए। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्नोलॉजी के बारे में और भी जानने के लिए। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर टेक्निकल जॉयदीप नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। सबसे पहला वीडियो एडिटिंग ऐप से किनेमास्टर या फिर कुछ लोग इसको काइनमास्टर भी कहते हैं। सो व्हाटएवर जो भी है, ये आपको प्ले स्टोर में तो मिल ही जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस एप्लीकेशन पर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं कि वीडियो को एडिट करने के लिए। तो प्ले स्टोर से आप किनेमास्टर या फिर काइनमास्टर एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही अच्छा है वीडियो को एडिट करने के लिए। ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में इसका जो है डाउनलोड जो है 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और ये जो एप्लीकेशन है वीडियो एडिट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, या फिर आप बहुत सारे क्लिप को एक साथ जोड़ सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग मोड मिल जाता है, क्रोमा की मिल जाता है, ऑडियो मिक्सिंग के लिए भी आपको बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स दिया गया है। यहाँ पर आपको इंस्टेंट एडिट प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है, प्रीसाइज आप वॉल्यूम कंट्रोल भी यहाँ पर कर सकते हैं विद इन एक क्लिप के अंदर। और यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल की जैसा और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है। सो किनेमास्टर या फिर काइनमास्टर एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा वीडियो एडिट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का नाम है फिल्मोरा गो, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस एप्लीकेशन पर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वीडियो एडिट करने के लिए। सो फिल्मोरा गो भी एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है वीडियो एडिट करने के लिए। एंड्रॉइड एंड iOS दोनों यूजर है यहाँ पर HD वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको ढेर सारे टेम्पलेट, फिल्टर एंड इफेक्ट्स मिल जाएगा अपने वीडियो पर यूज करने के लिए। और इस एप्लीकेशन पर आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की तरह जो वीडियो होते हैं शॉर्ट या फिर लॉन्ग वीडियो आप इजीली एडिट कर सकते हैं 1:1 या फिर 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का नाम है InShot, तो ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि InShot एप्लीकेशन पर आपको एक वीडियो एडिट करने के लिए क्या क्या टूल्स या फिर फीचर्स देखने को मिल जाता है। InShot जो एप्लीकेशन है ये भी एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है वीडियो को एडिट करने के लिए। ये जो एप्लीकेशन है इसका एक बहुत ही अच्छा खासियत है जो है, इस एप्लीकेशन पर आपको किसी भी तरह का वाटरमार्क नहीं मिलेगा। मतलब आप विदाउट वाटरमार्क अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं InShot एप्लीकेशन के थ्रू। इसके बाद यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही स्मूथली एक वीडियो को एडिट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन पर आप ट्रिमिंग एंड एडिटिंग का काम दोनों एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टी फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है वीडियो को एडिट करने के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर बहुत सारे इन हाउस म्यूजिक एंड इफेक्ट भी मिल जाते हैं अपने वीडियो पर यूज करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन है InShot। यहाँ पर फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो है वीडियो शो। तो वीडियो शो भी एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं कि वीडियो शो पर वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या क्या फीचर्स या फिर टूल मिल जाता है। वीडियो शो भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए। और ये जो वीडियोस है, इस एप्लीकेशन का जो यूज़र इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड इस एप्लीकेशन पर आप अपने वीडियोस को बहुत ही स्मूथली एंड ईजिली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे इफेक्ट, आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम एंड आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जाता है अपने वीडियोस पर यूज़ करने के लिए। तो आप एक बार वीडियो शो एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हैं अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए।
नेक्स्ट लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है पावर डायरेक्टर। तो ये भी एप्लीकेशन एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है और ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन है इस पर आपको वीडियो एडिट करने के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा टूल या फिर फीचर्स मिल जाता है। पावर डायरेक्टर जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। यहाँ से आप अपने वीडियोस को बहुत ही स्मूथली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे फिल्टर मिल जाता है एंड ढेर सारे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं अपने वीडियोस पर यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर आप अपने वीडियोज़ को ट्रिम कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको दोनों वीडियो को एक बना सकते हैं जोड़ के, एंड बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाता है अपने वीडियोज़ को एडिट करने के लिए। तो आप एक बार पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो एडिट करने के लिए। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो पर बताया 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में और इन सारे एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं अपने वीडियोस को किस एप्लीकेशन से एडिट करती हूँ। तो मैं अपने जितने भी वीडियोस होते हैं, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो या फिर किसी भी वीडियोज़ हो, उसको मैं ज़्यादातर KineMaster या फिर KineMaster से एडिट करती हूँ एंड कभी कभी मैं पावर डायरेक्टर से भी एडिट कर लेती हूँ। तो ये दोनों एप्लीकेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप इनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। सभी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी देखने के लिए। मिलते हैं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।